और इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। नंद कुमार सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और इस वक्त खुद नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया हमारे साथ लाइव मौजूद हैं भोपाल से। नंद कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। अब किस तरीके के टारगेट आप देखते हैं अपने सामने? बहुत धन्यवाद। एक ही टारगेट है, सबका साथ और भाजपा का विकास। जी, जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं कार्यकर्ता परिवार का मुखिया हूं, मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रसन्न रहे, खुश रहे, सक्रिय रहे, इसकी चिंता करते हुए 2018 में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के अभियान में हम निरंतर परिश्रम करेंगे। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बने, उसमें हमारे प्रदेश की भूमिका प्रभावी हो, इसकी हम चिंता करेंगे। संगठन की गतिशीलता, निरंतरता, यह हमारे संगठन की विशेषता है। सबका सहयोग लेकर, सबका मार्गदर्शन लेकर, एक सामूहिक निर्णय की भावना के साथ हम संगठन को चलाएंगे। नंद कुमार जी, एक एक आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें हमने निगम चुनावों में आपकी कार्य कुशलता देखी है और संगठन ने उसका फायदा भी लिया है, तमाम निगमों में आपने जीत दर्ज की। लेकिन हालिया झाबुआ चुनाव देख लिया जाए या हाल में जो निकाय चुनाव के कुछ परिणाम आए हैं उसको लेकर कुछ सवाल आपके विषय में लोगों ने उठाए और इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ और लोग भी पार्टी से नामांकन कर सकते हैं, हालांकि ये बात बहुत पहले साफ हो गई थी कि आप निर्विरोध रूप से चुने जा रहे हैं। आप किस तरीके की चुनौतियां अब एक अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं? मेरे सामने एक ही चुनौती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने और मेरे प्रदेश के सभी नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, जोशी जी, पटवा जी, सारंग जी जैसे लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी से लेकर, तो तमाम लोगों ने जो मेरे प्रति, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री प्रभात झा जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल जी, तमाम जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, सब ने जो विश्वास मुझ पर जताया है जी, ये विश्वास पर मैं खरा उतर के दिखाने के लिए रात और दिन परिश्रम करके भाजपा परिवार को एक परिवार की तरह पार्टी को हम सहेज कर और संगठन को गतिशील रखेंगे। बिल्कुल, और ये आपके बारे में कहा भी जाता है कि आप सबको साथ लेकर चलने के हामी रहे हैं हमेशा। लेकिन एक बात और नंद कुमार जी, आपसे इस मौके पर यह जानना जरूरी है क्योंकि आपने एक बार फिर से ये ताज पहना है जिसमें चुनौतियां कई हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो एक बार फिर से मजबूती के साथ उभर रही है प्रदेश में, और इन सब के बीच एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबसे गंभीर चुनौतियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, और खास तौर से वो लोग जो कम से कम जिनका नाम आ रहा था नामांकन भरने की दिशा में कि ये लोग भी आपके सामने चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं, उन लोगों का उपयोग आप पार्टी को मजबूत बनाने में किस तरीके से करेंगे? निश्चित रूप से मेरे पार्टी को परिवार भाव से मैं चलाऊंगा, उनका उपयोग भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे। लोकतंत्र में अपनी इच्छा व्यक्त करना कहीं पे भी बुरा नहीं है जी। लेकिन मेरे प्रति सबने जो अपार स्नेह दिखाया है मैं कैसे भूल सकता हूँ जी। और एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं एक धागे की तरह एक एक कार्यकर्ता को फूल समझकर एक माला में पिरोने का काम करूँगा जी। और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनाने के अभियान में हम एक एक कार्यकर्ता को लगा के और कामयाबी हासिल करेंगे।
बिल्कुल 2019 अगर में, अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में संगठन का हम जिक्र करें में सरकार बने उसमें तो और राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। और इस बात को किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है कि मैं किसी उदाहरण के जरिए से बताऊं, लेकिन फिर भी एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको ये जरूर लगता होगा कि कई विभाग ऐसे हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है और या फिर जिनमें और बेहतर किया जा सकता है। क्या आप कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं जिनमें पार्टी संगठन के लिहाज से कुछ विशेष करने की जरूरत हो या कुछ और बेहतर जो आपका दृष्टिकोण पार्टी संगठन के नजरिए से हो? देखिए, सुधार करने का कोई अंतिम छोर नहीं होता और अच्छा करने का भी, श्रेष्ठ करने का भी कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। हम श्रेष्ठ से और श्रेष्ठ, अच्छे से और अच्छा, और अधिक अच्छा, और अधिक अच्छा इस रास्ते पे चलेंगे। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से आपको ही चाहते थे कि आप ही पार्टी संगठन की कमान संभाले रखें, क्योंकि पिछला जो आपका कार्यकाल रहा है उससे काफी खुश थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रति ये जो विश्वास दिखाया है और मेरे पार्टी के और नेताओं ने जो मेरे प्रति स्नेह दिखाया है, मैं मेरे जीवन की इसको सबसे बड़ी राजनीतिक जीवन की पूंजी मानता हूं। किसी के दिल में अपना भरोसा और वो बने रहना, उस भरोसे को टिकाए रखना, ये एक मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी मैं मानता हूं। और ये विश्वास की डोर जिंदा रहते तक हम टूटने नहीं देंगे जी। मेरे पार्टी ने मेरे प्रति जो विश्वास जताया है, मेरे प्रदेश के नेताओं ने और देश के नेताओं ने भी जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को सजोए रखूंगा और उस पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। बिल्कुल, एक एक बार बार ये सवाल उठकर सामने आ रहा है नंद कुमार जी की पार्टी लगातार सत्ता में है और आप ऐसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगातार अच्छा कर रही है, इसलिए चुनौतियां आपके लिहाज से ज्यादा मानी जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं पार्टी या पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते किसी तरीके का दंभ, किसी तरीके का गुरूर तो नंद कुमार सिंह चौहान के साथ नहीं चलेगा? कतई नहीं। भगवान वो दंभ और अहंकार मेरे को मेरे अंदर ना आने दे। वो अहंकार आने के पहले, वो दंभ आने के पहले मेरे को मौत भेज दे भगवान। किस बात का अहंकार? ये पार्टी की अमानत है मेरे पास। मैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनाऊँ ये मेरी जागीर नहीं है, ये मेरे पार्टी की अमानत है, लाखों कार्यकर्ताओं की अमानत है जिन्होंने इस प्रदेश में मेरे पार्टी को ये ऊंचाइयां दी। वो लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना इसमें है। मेरे पार्टी के वो तमाम नेता जिन्होंने जीवन भर इसको ऊंचाइयां देने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया, ये उनकी अमानत है। शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री जिसने रात और दिन इस पार्टी और सरकार को जन जन में पहुंचाने के लिए मेहनत की, परिश्रम किया, पसीना बहाया, ऐसे नेताओं की ये अमानत है। बिल्कुल नंद कुमार जी, आज के हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद जी गहलोत, सुषमा स्वराज जी से लेकर तो तमाम नेताओं ने जो भरोसा मुझ पे जताया है, ये मेरी अमानत है जी। ये अमानत को मैं संभाले रखूंगा, अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नंद कुमार जी, एक और जो बड़ी बात है, पार्टी संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और चुनाव के परिणाम इसके जो लगातार निकलकर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्टी संगठन में किसी तरीके की कोई कमी नहीं, कुछ एक छोटी मोटी कमियों को देखते हुए। दूसरी बड़ी बात, एक सरकार आपकी ऐसी मजबूत है जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब के बीच में सरकार अपने काम करेगी, गरीबों तक योजनाएं पहुंचाएगी, संगठन की किस तरीके की भूमिका इस वक्त आप देख रहे हैं? और खास तौर से सामाजिक सरोकारों को अगर हम देखें तो उनके क्षेत्र में संगठन किस तरीके से काम करे या क्या आपका दृष्टिकोण है इस बारे में, जरा यह भी जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो विकास के कार्य हैं और सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है,
दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के हक में जो इस सरकार ने अद्भुत काम किए हैं, निर्णय किए हैं, ये जन जन तक पहुंचाने की प्रभावी भूमिका हम संगठन की तय करेंगे। सरकार और संगठन एक दूसरे के पूरक बनेंगे। सरकार के किए हुए कामों को हम अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उनकी अपनी एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, उनका जो प्रचार तंत्र है उनका अपना एक तरीका है। माउथ पब्लिसिटी, मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये चीज घर घर तक पहुंचाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया है, हमारे सरकार ने ये किया है। ये सारे किए गए कामों को हम घर घर तक मौखिक रूप से पहुंचाएंगे और इससे बड़ा माउथ पब्लिसिटी से बड़ा दूसरा कोई उपकरण नहीं है अपनी चीज को जनता के बीच पहुंचाने का। बिल्कुल, और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक चीज और कहती रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश चाहते हैं। इस दिशा में कोई रणनीति? हम तो हमारे पार्टी को अधिक से अधिक गतिशील बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी और मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मेरा एक एक कार्यकर्ता वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, गतिशील रहे, आपस में कहीं भेद न रहे। यदि कहीं मनमुटाव है तो हम परिवार के मुखिया के नाते उसको दूर करें, सबको गले लगा कर चले, जोत से जोत जगाते चले, इस भूमिका में हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से हालिया रिजल्ट रहे हैं, रतलाम झाबुआ चुनाव की मैं अगर जिक्र करूं और हालिया निकाय चुनावों का जिक्र करूं, ये जो असफलताएं हैं इससे उबरना भी कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती होगी? देखिए, मैं झाबुआ चुनाव के पराजय को तो हम स्वीकार कर चुके हैं क्योंकि वो प्रो कांग्रेस की सीट रही है, उसमें हमारी जो कमियां रही है उसका हम विश्लेषण करेंगे। और नगर निकाय के चुनाव में मैं आपको बता दूं, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव थे और 5 छोटी नगर परिषदों के चुनाव थे। उसमें 2 नगर पालिकाएं बड़ी बड़ी हम जीते हैं, एक शाहगंज नगर परिषद भी जीते हैं, और जो शेष जगह हारे ओरछा हम 150 वोट से हारे, लेकिन पराजय है। आप टोटल वोटों का गणित देख लें, जितने मतदाताओं ने वोट डाला उसको संग्रहित कर लें, तो आज हम इस चुनाव में भी जनता का विश्वास हमने जीता है, जनता हमारे साथ है, ये इससे परिलक्षित होता है। मंदसौर, शाजापुर, सीहोर, जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें से 2 हम जीते जी। और जो छोटी छोटी नगर परिषद रही वहाँ पर हम थोड़ा सा सफल नहीं हो पाए, हमारे आपस के मतभेदों को, टिकट को लेकर आपस के असंतोष को हम दूर नहीं कर पाए जी, ये हमारी कमी रही। जनता आज भी शिवराज जी के साथ है, भाजपा के साथ है। बिल्कुल, एक और प्रश्न आपसे कि अशोकनगर या दूसरे ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी या आपसी जो कलह है नेताओं के बीच की, वो कहीं पार्टी को दिक्कत दे सकती है। और एक बात और कही जाती है कि जब पार्टी लगातार सत्ता में है, संगठन मजबूत है, तो फिर पद और कद को लेकर भी आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई को किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप संभालेंगे, घर अपना कैसे मजबूत रखेंगे, जरा ये भी बताइए। देखिए, कल मेरी वैधानिक घोषणा होने के बाद फिर आगे क्या करना है उसकी रणनीति हम बनाएंगे जी। एक आखिरी सवाल सर आपसे, पार्टी कार्यकर्ताओं को इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से आप निर्विरोध सर्वसम्मति से, पूरी पार्टी की, पूरे प्रदेश की यह मंशा थी कि एक बार फिर से नंद कुमार जी संगठन साथ लेकर चलें और आप एक बार फिर से अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? बस एक ही संदेश है, मैं तो, मेरे लिए इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, कार्यकर्ता मेरे हैं, मैं कार्यकर्ताओं का हूँ, और हम सब मिलकर सामूहिक भावना के साथ
मिशन 2018 के लिए और मिशन 2019 दिल्ली के लिए हम सब मिलकर काम करके उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। एक परिवार भाव से हम हमारे संगठन को और मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार सिंह चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े और प्रदेश अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद आपने जनता के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आपने संवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंद कुमार सिंह चौहान MP BJP के एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए, हमसे खास बातचीत कर रहे थे।